तब तक भय छूटने वाला नहीं है। कल एकादशी है भैया, ध्यान से सुनो, कल एकादशी है और वो एकादशी भी बहुत ऊंची एकादशी है, उसका नाम है त्रिशपृषा, बहुत भारी महिमा है उस एकादशी की, त्रिशपृषा एकादशी विशेष तिथि है, हजारों एकादशियों से बढ़कर है कल की एकादशी। कल जो जिस प्रकार से जिसका शरीर माने उसको व्रत करना चाहिए ईमानदारी से, और अधिक से अधिक समय भजन में, जप में, ध्यान में, अच्छी प्रवृत्तियों में व्यतीत करना चाहिए। त्रिशपृषा है, कल बहुत ऊंची तिथि है, भगवान को तुलसी चढ़ाना इसी की तिथि, कल तो त्रिशपृषा है, विशेष रूप में त्रिशपृषा का आदर करना ही चाहिए। अब बहुत से लोग तो एकादशी को पहले ही सोचने लग जाते हैं कि इस बार मलाई के पुआ बनाएंगे, कि बादाम का हलवा बनाएंगे, कि क्या चीज काय की खीर बनाएंगे। आप भगवान को भोग लगाना चाहते भले लगाइए, पर ईमानदारी से व्रत कीजिए। बहुत उत्तम पक्ष है कि कोई यदि शरीर में उसके सामर्थ्य है तो निर्जल करे, अच्छी बात है, निर्जल नहीं तो सजल करे, सजल नहीं करे तो भारतीय गाय का एक बार दूध पीकर करे, उतना भी समर्थ न हो तो फल खा करके व्रत करे। बाकी कोई बनी हुई चीज के हलवा खा लिया, कूटू की पूड़ी खा लिया, और उसका सिंघाड़े का हलवा खा लिया, और काय की मखाने की खीर पी लिया, अरे भैया नाटक ही काय करते एकादशी का। फिर 15 दिन में जितना गरिष्ठ वस्तु पेट में नहीं जाती उससे ज्यादा गरिष्ठ वस्तु एकादशी के नाम पे चली जाती। और लोग तो इतने वीर हैं, दसवीं को ही खूब ठूस के खा लेते हैं, अरे कल एकादशी आज बढ़िया से खा लो, दूसरे दिन तक गला जलता रहे, डकार आती रहे ऐसा। और एकादशी को भी सवेरे से ही खाना, बोले आज तो अन्न नहीं खाना है, आज एकादशी है, फलाहार करना शुरू किए 10 बार 11 बजार, बोले 11 बार फलाहार कर लो तो एकादशी पक्की। ऐसी एकादशी नहीं करना, जिस पे जैसी सामर्थ्य हो, पर एकादशी बहुत श्रद्धा पूर्वक करना, ईमानदारी से।